गुजरात में मिली जीत और बिहार में उपचुनाव में मिली जीत को लेकर लगातार भाजपा नेताओं के द्वारा बयानबाजी किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने गुजरात में मिली प्रचंड जीत और बिहार में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार पर हमला बोला। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं के द्वारा गुजरात जीत और बिहार उपचुनाव कुंडली को लेकर लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बयानबाजी लगातार भाजपा नेताओं का आ रहा है। कोई कह रहा है कि बिहार में अब नीतीश कुमार की जनाधार नहीं है, तो कोई कह रहा है उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का क्या कहना है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 157 सीट से ज्यादा देकर ये संदेश दे दिया है कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है। और ये भी संदेश चला गया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल में जरूर परंपरा जो थी एक एक बार की वो नहीं टूट पाई, लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई। हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते हैं। बिहार में ये एक सीट का उपचुनाव नहीं था, बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। इससे संदेश चला गया कि कोई भी कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। सीधा सीधी आपने सुना कि शहनवाज हुसैन ने क्या कहा। कहा कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी और जितना जोर लगाना है बिहार में महागठबंधन को, 2025 में बिहार का नेतृत्व बीजेपी ही करेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव कुंडली में मिली जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही बिहार का ही नेतृत्व करेगा। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।